नमस्ते। तो आज का टॉपिक है, क्या ब्लैक मैजिक किया जा सकता है कोर्ट केसेस में। बहुत लोगों ने इस बारे में पूछा है मेल के थ्रू हमसे, एंड काफ़ी टाइम से ये जो टॉपिक है ये पेंडिंग था, बट टुडे आज फाइनली वो दिन आ गया जिसके बारे में मैनी ऑफ यू आर वेटिंग। सो डायरेक्टली इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती। टू द पॉइंट इस टॉपिक में हम बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली येस, इसका जवाब है कि हाँ, ब्लैक मैजिक किया जा सकता है कोर्ट केसेस में। इनफैक्ट हमारे लाइफ के किसी भी एरिया में नेगेटिव एनर्जीज भेजी जा सकती हैं या नेगेटिव एनर्जीज एंटर कर सकती हैं। ओके, सो जहाँ तक कोर्ट केसेस का सवाल है, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एक नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू कोर्ट केसेस में ब्लैक मैजिक, कोर्ट केसेस के लिए ब्लैक मैजिक इनफैक्ट किया जा सकता है। ओके, तो अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, हम पे क्यों, हमारे कोर्ट केस में कोई क्यों करना चाहेगा, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है उस तरीके से। तो जिसके साथ कोर्ट केस लड़ा जा रहा है कोर्ट में, वो एक तरीके से दुश्मन ही हुआ। इट्स जस्ट दैट वो सामने नहीं आना चाहता, कोर्ट में तो वो लड़ ही रहा है लेकिन पीछे से भी वो एक तरीके से एक छिपा हुआ वार कर रहा है तुम पे, कि कोर्ट में तो मैं जो लॉयर है उसके थ्रू लड़ ही रहा हूँ, सामने पीछे से भी जो है मैं इस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज का मैं हेल्प ले सकता हूँ, जो कि बहुत ही गलत है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहिए। जो लोग इस चीज़ को करते हैं, बहुत ही टेम्प्ररी प्लेजर उनको मिलता है, उसके बाद जो है उनको नॉनसेंस ही लाइफ में फेस करना पड़ता है। बट कहते हैं ना कि कई बार जीत की पैशन में और इस धुन में वो सब लोग, सब जो इस तरीके के लोग हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये गलत है। सो एनीवेज, अब केसेस हो सकते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड जो हमारे पास आते हैं कोर्ट केसेस के, प्रॉपर्टी रिलेटेड, पैसा ही जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा लड़ाई की जड़ है कोर्ट केसेस में, एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, मॉनेटरी टर्म्स हो गए, या फिर चाइल्ड कस्टडी, डिवोर्स केसेस, यू नो ऑल दीज केसेस। अब कैसे कोई इंसान पता लगाएगा सिम्टम्स क्या हैं इस चीज़ के कि हम पे ब्लैक मैजिक हो रखा है हमारे कोर्ट केस को बिगाड़ने के लिए। तो बहुतों ने हमको इस तरीके के सिम्टम्स लिखे हैं, उन्हीं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। पहला तो ये कि अगर किसी ने बहुत अच्छा लॉयर कर रखा है, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट लॉयर, लॉजिकल लॉयर, केसेस जीतता आया है, अच्छी फीस भी लेता है, लेती हैं, और उसके बावजूद जो है, मतलब अगर हमारी इनफैक्ट स्टोरी लाइन जो है या पॉइंट्स जो है, हमारे क्लॉजेज हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे फेवर में है, उसके बावजूद अगर कोर्ट में रोज़ ऐसा लग रहा है कि पॉइंट्स हमारे फेवर में नहीं जा रहे, तो एक तो ये बहुत हैरानी की बात है बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, जिनको बाद में ये लगा कि हमको तो ये बोला गया था और हमें भी पता है कि हमारा केस बहुत ही सिंपल है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, और फैसला हमारे ही हक में होगा, लेकिन फिर भी जब हम कोर्ट जाते हैं और ये देखते हैं तो ये पता चलता है कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, तो उनको समझ में नहीं आता। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कई बार वो ये फील करते हैं जो जिनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक हो रखा होता है कोर्ट केस के लिए, कि कोर्ट में वो जाते हैं सब कुछ प्रिपेयर करके, लॉयर बताता है कि आपको ऐसा बोलना है, इस चीज़ का ऐसे जवाब देना है, और वो प्रिपेयर कर लेते हैं सब कुछ कि यस हम ऐसा ही बोलेंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं जब वो अपने लॉयर के साथ होते हैं। लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं, जब उनसे वो सवाल पूछा जाता है, तो उनका दिमाग एकदम स्टॉप हो जाता है, एकदम ब्लॉक हो जाता है, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाते, मतलब वो इतना हैरान होते हैं। सो मेनी ऑफ यू ने हमको मेल पे लिखा है कि जब भी ये दो तीन बार उनके साथ अलग अलग डेट्स पे ऐसा हो चुका है कि उनको खुद फील होता है कि कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो इनको ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कहते हैं ना कि भुला देना कि क्या बोलना है, या ऑल ऑफ अ सडन एक्सप्रेस ना कर देना पाना कि क्या बोलना चाहते हैं, या एकदम लॉस्ट हो जाना, यू नो और जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये जब खुद ही क्लाइंट्स ने ये चीज़ें अपनी
यू नो एक पैटर्न में देखा तो उनके दिमाग में आया कि देर इज समथिंग एबनॉर्मल जो हमारे साथ हो रहा है. और तब उन्होंने गूगल पे सर्च किया इस चीज़ को, क्योंकि आजकल तो हर कोई गूगल पे हर चीज़, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है हर कोई गूगल में ही आजकल सर्च करने चला जाता है. या तो जब उन्होंने सर्च करा तो उनको ये कुछ पॉइंट्स मिले कि यस ऐसा कुछ हो सकता है सुपरनैचुरल वे में. एंड हमारी भी साइट दिखी और हमारी साइट को के थ्रू कॉन्टैक्ट किया गया थ्रू द मेल. और पर्सनली तो ऑफ कोर्स ऑन द मेल्स टीम मेंबर्स ने बता ही दिया कि ऐसा सिम्टम होता है. लेकिन बहुत से लोग फिर ये चाहते थे कि इसके बारे में हम ओपनली बात करें और लोगों को भी एजुकेट करें, बिकॉज कोर्ट केसेस के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड है और पैसे से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो बहुत सारे आते हैं. तो एक तो ये रीज़न हो गया. तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं यू नो कि बेस्ट ऑफ द केस था, बेस्ट ऑफ द पॉइंट्स थे फेवर में, उसके बावजूद इंसान बोल नहीं पा रहा, या फॉर दैट मैटर इवन लॉयर का कई बार जो है एक्सीडेंट हो जाना, या वो बीमार पड़ गया डेट पे नहीं आ पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पेनल्टीज लग रही हैं ऑल ऑफ अ सडन. यू नो हम ट्रैफिक जाम में फंस गए, इवन अगर हम एक घंटा दो घंटा पहले चले, मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशंस जो बहुत ही एबनॉर्मल, जो कि बहुत ही वियर्ड साउंड कर रही है खुद ही को, कि हम तो सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से कर रहे हैं उसके बावजूद जो है ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं. सो यही सिम्टम्स हैं जो मेन सिम्टम्स हैं. अब हर किसी के साथ, इंडिविजुअल के साथ कुछ अपने अलग सिम्टम्स होते हैं, उनको हम नहीं सबके साथ और लोगों के साथ जोड़ सकते. वो इंडिविजुअल सिम्टम्स हैं जो क्लाइंट्स खुद लिख के बताते हैं कि ऐसा 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 हमें हो रहा है. तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं मेन जो मैंने बताए हैं, तो यस ये एक ब्लैक मैजिक का ट्रैप हो सकता है. इसको चेक कराने के लिए अपने डायग्नोसिस कराओ, उसमें ही पता चलेगा कि वेदर मतलब नॉर्मल वे में ये सब चीज़ें हो रही हैं या कोई ग्रह ऐसे हैं जो इस तरीके से कहते हैं ना उल्टे अफेक्ट्स दे रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइफ के सेक्शन में जो कोर्ट केस का सेक्शन है, या क्या चीज़ है, वो डायग्नोस में ही पता चलेगा. सो इसका डायग्नोसी कराओ, उसमें रूट कॉज एनालिसिस पता चलेगा. ओके तो आई होप इसका जवाब मिल गया होगा कि येस ब्लैक मैजिक के बहुत से प्रोसेस हैं कोर्ट केसेस को हराने के लिए दूसरे पार्टी को. और ये सब चीज़ें जो हैं ईजिली लोग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ कलयुग टाइम एंड प्रॉपर्टी पैसे के ही वजह से इतना ज़्यादा क्योस मचा हुआ है. ओके सो बस इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक. टिल देन गुड बाय.